गेहूं के सीजन में सरकारी खरीद बंद होने पर अपनी गेहूं की फसल को मंडी में बेचने से वंचित रह गए किसानों के लिए सरकार ने आज एक दिन के लिए सरकारी खरीद कर उन किसानों को अपनी गेहूं की फसल बेचने का मौका दिया, जिसके लिए मार्केट कमेटी रदौर में ऐसे किसानों की आड़तियों के द्वारा सूची बनाई गई थी, जिसके बाद आज किसानों की बची हुई गेहूं की फसल की सरकारी खरीद की गई। वहीं मंडी के आड़तियों ने समय पर पेमेंट करने के सरकार के दावों पर रोष जाहिर किया। ये दावा बिल्कुल खोखला है कि हम पेमेंट कर रहे हैं। सरकार का दावा 72 घंटे का दावा था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने जो पेमेंट दी है वो 15-15 दिन 20-20 दिन बाद के पेमेंट दी है सरकार ने। वो किसान इतने परेशान हो चुके हैं और इस समय अनाज मंडी की जो चलो आड़त तो हमारी आती रहेगी, आड़त से तो हमें चलो कोई ऐसी बात नहीं, जब देगी सरकार दे देगी, लेकिन जो इस समय मजदूर हमारी मंडी में रुके पड़े हैं, मजदूरों का पैसा आज तक भी खातों में नहीं आया। ये किसानों की डिमांड के अनुसार जो है ना आज गेहूं की आखिरी खरीद की जा रही है, क्योंकि किसानों के पास 10-10, 15-15 क्विंटल का माल बचा हुआ पड़ा था। उसके बाद सरकार के आदेश अनुसार, उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार जो है ना आज जो है ना जिन किसानों की बची हुई गेहूं थी उन किसानों का शेड्यूल बनाएगा, जिसमें लगभग 34 किसान हैं और लगभग 1,000 के आसपास गेहूं का शेड्यूल बनाया गया, जो किसान आज अपने गेहूँ लेकर आ सकते हैं। सर, पेमेंट की अगर बात की जाए, जैसे आड़तियों की पेमेंट है, कब तक पेमेंट होगी? पेमेंट के बारे में आज खरीद एजेंसियों से बातचीत की जा रही है, 15 तारीख तक पेमेंट आ गई है और उसके बाद की पेमेंट जो एजेंसीज कह रही हैं कि जल्दी ही पेमेंट भेज दी जाएगी।